अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आ गया हूँ छत पे, अभी चलते हैं खोलते हैं अपनी मुर्गियों को। इसे खोलते हैं सबसे पहले, ये तो शोर बहुत करती है जब छत पे आ जाओ तो। इसने आज भी अंडा दिया हुआ है, 4-5 अंडे ये दे चुकी है। इसको बंद कर दिया, अब खोलते हैं इस मुर्गे को। इस मुर्गे को भी खोलते हैं, इसको अलग इस वजह से बंद किया हुआ, ये कुरीज कर रही है। तो इसको फिर इधर ज़्यादा मिट्टी डाल के इधर बंद किया हुआ ताकि ये मिट्टी में खेले और इसकी कुरीज जल्दी मुकम्मल हो। मुर्गी को बंद कर दिया, अब इसे भी बंद करते हैं। और खोलते हैं इस मुर्गे को। अब इसे बंद करते हैं। इस मुर्गी को खोलते हैं। अब इसे भी बंद करते हैं। और खोलते हैं अपने इस ब्लैक को। ये भी थोड़ा सा स्लो हुआ है, पर यह है कि इसको मेडिसिन वगैरह दिए तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा जल्दी। इसको भी खुद उठा के बाहर निकालता हूँ मैं। मुझे तो उन शौकीन भाइयों की समझ नहीं लगती जो इन परिंदों का शौक़ करते हैं पर इनकी सफाई का ख्याल नहीं रखते। जैसे कि ये भी इसी वजह से बीमार हुआ है क्योंकि इसके साथ इनमें एक बीमारी पड़ जाती है, इनको कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो इनका खून चूस लेते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत वीक हो जाते हैं। जो पहले भी मेरे 3 मुर्गे एक्सपायर हुए हैं जिनमें से एक ज़िबा किया था, उनके साथ भी ये बीमारी थी। जब उनके मैंने पर निकाल के देखे हैं तो सारों को बहुत ज़्यादा जुएं सी थी। फिर उन्हें मैंने पाउडर तो लगाया था पर इतने जल्दी वो रिकवर नहीं कर सके, मेडिसिन से भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसकी भी बिल्कुल यही कंडीशन है, पर इसका यह है कि इसको इसके परों के नीचे बिल्कुल थोड़े से थे, वो मैंने पाउडर भी लगाया, फिर उसके बाद इसको मैंने दवाई भी दिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जल्दी रिकवर कर लेगा, क्योंकि अभी आपके सामने ये दाना भी ठीक खा रहा है। बाकी सबको दाना पानी देके बंद कर दिया, इसको थोड़ी देर खुला रखा हुआ ताकि ये घूमे फिरे, थोड़ा इजी फील करे। आज आप दोस्तों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, जो इससे पहले तो मैंने अपने व्लॉग में जिक्र नहीं किया क्योंकि वो मेरे सेटअप पर तो नहीं है, वो मैंने बाहर रखी हुई है क्योंकि घर में उसकी इजाज़त नहीं है। तो आज मैं आपको एक नई चीज़ है उससे आज आपकी मुलाकात करवाता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को देख के अच्छा लगेगा। अभी चलते हैं और मिलते हैं जाके अपने गजनी से। अभी चलते हैं और आपको मिलाते हैं अपने गजनी से।
ये है वो, ये हमारा बहुत ही प्यारा पेट है गजनी। ये भी थोड़ा बीमार हो गया था, ये इसके जख्म आपको नजर आ रहे होंगे, अब ये भी ठीक है बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं, इसके साथ एक फीमेल भी है छोटी, ये जेनी। ये बहुत ही एक्टिव है। तो जैनी से तो मुलाकात होगी या, ये बिल्कुल ठीक है। तो अभी चलते हैं छत पे और छत वाले परिंदे खोलते हैं जाके, अभी इन्हें खोलते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अब काफ़ी बेहतर है, ये आके वो अपनी जगह पे खुद ही बैठ गया। इसको बैठा रखने देते हैं और इसको खोलते हैं। इन दोनों को बंद कर दिया, इसे खोलते हैं। इसे खोलते हैं साथ। इसने भी दाना पानी कर लिया, अभी इसको बंद करते हैं। सूरज डल चुका है और इन सब ने भी अपनी शाम की डाइट ले ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करिएगा और मेरे चैनल देसी वाइब्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।